नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोटर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। तारीख 15 अप्रैल दिन शनिवार, समय रात के लगभग 10:30 बजे, जगह प्रयागराज। एक खबर ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश और दुनिया की सुर्खियां बन गया। पत्रकार बनकर आए तीन हमलावरों ने पहले अतीक की कनपट्टी में सटाकर गोली मारी और फिर अशरफ की छाती में। 10 सेकंड में 22 राउंड गोलियां चली। अतीक और अशरफ के शरीर में इतनी गोलियां लगी कि बचने का कोई चांस ही नहीं था। हालांकि पुलिस ने तुरंत तीनों हमलावरों को दबोच लिया। जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि तीनों हमलावर उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग जिलों से आते हैं। लवलेश तिवारी बांदा का, सनी सिंह हमीरपुर का और अरुण मौर्य उर्फ कालिया कासगंज जिले का। सवाल उठे कि आखिर इन तीनों की अतीक और अशरफ से कैसे दुश्मनी थी? क्या इन्होंने किसी निजी खुन्नस में दोनों माफिया भाइयों की जान ली या फिर किसी ने इन्हें सुपारी दी? हालांकि पुलिस की पूछताछ में तीनों ने कहा कि हमें बड़ा माफिया बनना था, नाम कमाना था, इसलिए अतीक को मारा। हालांकि उनके पास से मिली मेड इन टर्की पिस्टल और इन तीनों के अचूक निशान से उनकी ये थ्योरी पचने वाली नहीं है। सवाल ये भी उठा कि आखिर तीन अलग अलग जिलों के लोग एक ही मकसद से कैसे साथ आए? अब मीडिया रिपोर्ट्स में जो खुलासे हुए हैं उनमें इन सवालों का जवाब मिल गया। बताया जा रहा है कि लवलेश, सनी और अरुण तीनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। सनी सिंह हिस्ट्री शीटर हैं और कुछ साल पहले लूट की एक वारदात में वो हमीरपुर जेल में बंद था। लड़की को चाटा मारने के आरोप में लवलेश भी उसी जेल में बंद था, वहीं दोनों की दोस्ती हुई। सनी अरुण उर्फ कालिया को पहले से जानता था। जेल से निकालने के बाद सनी ने लवलेश और अरुण की मुलाकात कराई और इस तरह तीनों में दोस्ती हुई। खबर है कि कुछ दिनों पहले इन तीनों को अतीक और अशरफ की हत्या की सुपारी मिली थी। 10-10 लाख रुपए एडवांस के साथ तीनों को मेड इन टर्की जिगाना पिस्तल दी गई थी, जिससे निशाना चूकने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इस एक पिस्तल की कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। हत्याकांड के बाद से ये सवाल भी उठे कि आखिर मामूली आपराधिक और पारिवारिक बैकग्राउंड वाले इन हथियारों के पास इतनी महंगी पिस्तल कहां से आई? सवाल अब ये भी है कि आखिर इन तीनों को अतीक अशरफ की सुपारी देने वाला मास्टरमाइंड कौन है और कब पुलिस की गिरफ्त में आएगा? बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।